कौन है? कुछ तो था, क्या है? पता नहीं, कुछ टूट नहीं गया, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। ओ भाई, अरे ये देखो कितने बड़े बड़े पंजे हैं, ये नहीं पता एक किसके होंगे बट बहुत पंजे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अलहमद से फिट होंगे। जो लास्ट का वीडियो था मेरा जो मैंने यूट्यूब पे डाला था, तो उसको मैंने यहीं पे ऐड किया था। यही वो नज़ारे हैं जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको मैं नज़ारे दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमें वो मोहल्ला नहीं दिख रहा है, बट हम उस टॉप पर चढ़ेंगे और देखते हैं, अगर वहाँ से हमें मोहल्ला दिखा तो हम मोहल्ले में जाएंगे, वरना फिर हमारा वहीं पर स्टे रहेगा, हम वहीं पर कैंपिंग करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है आसिफ भाई? ठीक है, मैं कसम से गिर जाऊँगा। आराम से आराम से आराम से भाई जान, पानी होगा बीच में, पानी होगा बीच में, पानी होगा नहीं, बीच में जाएंगे। आ जा तू, मैं टेंशन मत रख, ये तू चलाया। हाँ चल चल, कौन है? कुछ तो था, क्या है? पता नहीं, कुछ टूट नहीं गया। क्यों ऊपर खतरा है? तुम्हें कैसे लगा? आवाज़ तो मैंने भी सुनी। कुछ तो डर भाई साहब, मेरे को थक थक खो देता है। हाँ मुझे भी वो डर लग रहा है, कुछ तो था, आवाज़ थी बट पेड़ गिरा नहीं, वो टहनी गिरी वही ना। कुछ तो गिरा, कुछ तो है ऊपर, तो है ऊपर, चढ़ते हैं तभी तो मान ले। ऊपर प्लेन एरिया है, नहीं होगा यहाँ पे जाते हैं ना, वो देख वहाँ पे तू बैठ के देख ना आराम से। भाई साहब वहाँ से हमें कुछ दिखा बट पता नहीं क्या था, वहाँ से गर्राट की आवाज़ आई, हाँ टूटने की आवाज़ आई, उसके साथ गर्राट की आवाज़ आई, उसके बाद ये तो ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ तो वापस, अभी हम कैमरा बंद कर रहे हैं, हम पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं है यहाँ पर, फिर हम देखते हैं, वरना हम फिर वापस चले जाएंगे। कैमरा ऑफ होने वाला है। हाँ जी कैमरा ऑफ होने वाला है, हम पहले देखने वाले हैं क्योंकि ओ भाई, अरे यार माशाल्लाह, ओह यार इसको देखो, ये नज़ारे देखो। ओह तो गाइज अभी मैं वज़ू करने वाला हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ क्योंकि हाँ 2 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है नमाज़ के लिए, बट नमाज़ तो पढ़नी है, तो अभी मैं वज़ू करूँगा तो फिर नमाज़ पढ़ूँगा। ठीक है तो पहले पढ़ भी मैंने वज़ू कर लिया। अब सबका क्वेश्चन ये रहेगा, पहाड़ पे तूने पानी कहाँ से ढूंढ लिया? पहाड़ पे तो पानी है ही नहीं, तो बट पानी नहीं था, बर्फ़ जो थी वो पिघल रही थी एक जगह पे, वहाँ पे थोड़ा पानी का उतरने का जगह था, तो मैंने वो पानी से ही वज़ू किया और अभी मैं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए जी पहले पढ़ लेता हूँ मैं नमाज़। तो अभी मैंने तो चलिए जी हम बनाते हैं अपने लिए मैगी। हाँ। आसिफ भाई करते हैं तब तक आराम, हम बनाते हैं तब तक मैगी। वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, चेक आउट गाइस, बच्चे आ रहे हैं वहाँ से, देखो कहाँ पे है बच्चे, आने तो बुला रहा हूँ ना मैं इनको, आ जाओ आ जाओ। हम भी कुलगाम से ही हैं। आप किस जगह से? कुलगाम किस जगह से? वकई। यहाँ पे कहाँ? मतलब हम वकई के पास है, घूमने आए थे आप लोग भी। सो गाइस अभी हमारे साथ और भी बंदे जुड़ चुके हैं, तो जाहिद भाई अभी मैगी डाल रहे हैं, मैगी बनाने वाले हैं हम इनके लिए भी, ये हमारे लिए बहुत खास है, ये बच्चे हैं 3, तो इनके लिए भी हम एक्स्ट्रा मैगी है हमारे पास, इनको भी बनाएंगे और इनको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन के लिए बहुत है, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे हम भी, हम भी खा लेंगे, हम भूखे हैं। बोलो खेओ, आ जा खा लो, तीनों आ जा, तीनों तीनों
अभी हम यहाँ से पैकिंग करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं ऊपर, वहाँ पे हम टेंट नहीं लगाने, यहीं पे फाइनल टेंट था ये, इसके बाद हम टेंट नहीं लगाने वाले, ऊपर बनाएंगे हम अपने लिए चाय और इन बंदों के लिए भी जो हमारे साथ एक्स्ट्रा बंदे तीन हैं अब से। तो अभी चलते हैं हम ऊपर, तो मिलते हैं आपको अब सीधा ऊपर बस्ती में। तो गाइज फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमारे से ट्रैकिंग में तीन बंदे और जुड़ चुके हैं, 1, 2 and 3। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि आगे कुछ और भी इन्होंने बताया जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो वो भी देखेंगे हम। तो चलिए चलते हैं। बट जो हमारे से पहले सीन हुआ था कि जो हमने बताया था कि कुछ टूटने की आवाज़ आई थी, जो गर्राट की आवाज़ आई थी, तो वो यहाँ से ही आई थी, वो भी हम चेक करेंगे क्या था वो। बट अभी डर नहीं लग रहा क्योंकि अभी हम 5 हैं, तो डर नहीं है और ऊपर से इनको पता है सब कुछ, नहीं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ दिखा देंगे ये। बट हम तभी वो चीज़ देखेंगे कि वो था क्या चीज़। तो अभी चलिए, यहीं पे किसी जगह हुआ था वो, बट हमें अभी पता नहीं है वो क्या था। अभी कुछ नहीं दिख रहा यहाँ से, मतलब क्या था क्या नहीं था, छोड़ो गोली मारो उस चीज़ को। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, तो जो ये दिखाने वाले हैं वो देखते हैं। और यहाँ से कोई गया नहीं है अभी तक, अभी फर्स्ट बंदे हम हैं, हम 5 और हम ही 5 जा रहे हैं। तो चलिए जी मिलते हैं आपको हम सीधे ऊपर। तो गाइज यहाँ पे हम एक चीज़ देख चुके हैं, तो अभी चेक कर लो। तो ये है क्या, ये देखो कितने बड़े बड़े पंजे हैं, ये नहीं पता एक किसके होंगे, बट बहुत पंजे, कुत्ते के पंजे नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो, देखो कितना बड़ा पंजा है, छोटा पंजा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, पंजे जो है ना एक ही जगह पे, किस पिछला पैर भी इसी पे आ रहा है और अगला पैर भी इसी पे आ रहा है। तो अभी ये बच्चा जो है ये बहुत डर चुका है, ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा ऊपर, मुझे नीचे साथ आ जाओ, क्योंकि भाई डरने वाली चीज़ है यहाँ पे, ये जंगल है, कोई भी जानवर हो सकता है, क्या गारंटी है। तो इसलिए आसिफ भाई उनके साथ चल रहे हैं और ये दो बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है, इस वाले को, सामने वाले को इसको डर लग रहा है। तो इसको मैंने बोला तुम मेरे साथ चल, फाइनली गाइस हम दूसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। बट टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है, वो क्यों, क्योंकि कल मेरा लेग्स वर्कआउट था, कल मैंने लेग्स की थी, इसलिए मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं रही। बट अभी हम जा रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे, वो लोकेशन है तेरे जी, उस लोकेशन को भी आपको दिखाएंगे। सो बड़ी, हाँ जी ये मैं थक चुका है, ये वाला जो सामने है बच्चा, ये डर रहा है बहुत ज़्यादा। अब डर लग रहा है, लग रहा है डर, तो ठीक है अभी इसको डर नहीं लग रहा। अभी मैंने बैग इस बच्चे के पास में दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर का व्यू आपको दिखाएंगे। वो देखो ये सो गया, इतना ज़्यादा थक गया, अब ये सो गया बेचारा। कोई नहीं, ऊपर तुम लोगों को चाय बना के देंगे, लेट्स गो। तो फाइनली गाइज अपनी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं और अभी हमें पहला घर दिख चुका है जो हमारा ये सामने रहा। अब हम चल रहे हैं ऊपर, बट ये नज़ारा जो है ये उससे भी बेहतरीन, उससे भी बेहतरीन है ये नज़ारा जो हमने आपको दिखाया। कस करें दाग कस कर नहीं नारस, ये है लोकेशन, द ग्रेट प्लेस, द ग्रेट खली। सो गाइस जाहिद भाई अब चाय बनाने वाले हैं, फिर से इन्होंने सेटअप ऑन किया है चाय बनाने के लिए। तो जाहिद भाई आप चाय तगड़ी बनाना ताकि सारी थकान चली जाए। गलत थी चाय जो आप, नहीं नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ तगड़ी सी चाय बनाना जो सारी थकावट निकल जाए। हाँ तो ऐसे बोलना। हाँ जी, चाय पत्ती तो निकल चुकी है, अभी हम इसमें डालने वाले हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो यहाँ पे चाय उबाले मार रही है, तो अब हम डालने वाले हैं इसमें चीनी। बट अब इस वक्त चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी बंदे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, ये पानी लेके आ चुके हैं, इनको घर वालों ने पानी दे दिया है, क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं कहा, ले लो। चलो फिर ठीक। तो अभी हमें क्या हुआ था ना कि हमारे पास कप दो ही थे, क्योंकि हमें दो ही बंदे थे,
बट इनके लिए भी कप लाने थे क्योंकि चाय पीनी थी। इसके पहले तो हमने मैगी का जुगाड़ तो कर दिया, बट हमने इसको कहा नीचे से इन घर वालों से मांग ले, कप देखते हैं वो देंगे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ले जाओ, कुछ नहीं बोला फिर। नहीं अभी तो फाइनली गाइज हमारी चाय रेडी हो चुकी है और हमारे पास कप भी आ गए बराबर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चाय बताओ पहले, चाय का टेस्ट कैसा है? कैसा है टेस्ट? चीनी और मत चाहिए? तो गाइज फाइनली यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे सीधा नीचे और नीचे 5-6 मिनट रुकते हैं फिर निकल जाते हैं सीधा घर। वैसे भी 5 बज चुके हैं और अभी हमें वही रास्ता, पहला वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा और यहीं से जाना पड़ेगा। और मेरे पीछे जो बच्चा देख रहे हो आप, ये मेरे बगैर नहीं जा रहा क्योंकि इसे बहुत डर लग रहा है। तो ये को ये गिर गया, वो देखो आसिफ भाई, हाँ हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, और पहनो ये जूते बेहतरीन। तो अभी हम नीचे आ रहे हैं, तो चलिए जी चल रहे हैं। आ जाओ, ये बंदा क्या कर रहा है, ये अलग ही नजारे ले रहा है। वो कपड़े गीले हो जाएंगे, वो वहां पे कांटे कांटे, ऊपर उठ ऊपर उठाए कांटे। तू कहाँ पे गिरा? मैं यहाँ पर गिरा ना। हाय 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 हाय, अरे इन बच्चों के साथ बहुत एंजॉयमेंट किया, बहुत ही ज्यादा। और बच्चों तुम लोगों को मजा आया? कितना मजा आया सच बताना? बहुत मजा आया। हाँ। भाई साहब चुप करके बैठ जाते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ गया, मैं तो वही बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे बहुत गर्मी है, बट यहाँ पे गर्मी नहीं इतनी सर्दी है, क्या ही बताऊँ। देखो पानी अभी भी जम चुका है, ये अभी भी फ्रीज है। तो गाइज अभी हम अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हम पहले आए थे, तो ये वही जगह है जहाँ से हम आए थे, इसी जंगल को हमने क्रॉस किया था। बट यहाँ से वो जो बालू दिखा था हमने, वो यहीं से दिखा था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, यहाँ से बहुत आगे वहाँ पे दिखा था वो हमें। तो तब ये बच्चे हमारे साथ नहीं थे, तो अभी हमारे साथ बच्चे हैं, तो इनकी भी हमारे पे जिम्मेदारी है, इनको भी हम सेहत सलामत घर पहुँचाना है। तो अब ये जाएंगे, चलो बच्चों लोग करो फेंसिंग पार। तो फाइनली गाइज जिस जगह पे हमने पहला टेंट दिया था, तो वो ये रहा, इसी चोटी पे हमने दिया था, ये टॉप पे ये पहाड़ है, और अभी हमें इससे बहुत नीचे जाना है, कम से कम यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, तो वो भी सफ़र पूरा करेंगे हम। तो अभी चलते हैं नीचे, घर पहुँचेंगे। कितने बजे पहुँचोगे? 8 बजे। 8 बजे तो ये जहाँ से आए ना भाई, ये वहाँ से पैदल आए हुए चल के, इन्होंने गाड़ी का सफ़र कुछ नहीं, बीच कहते ना खेतों का सफ़र किया है टोटल, तो इनकी तो क्या है बताऊँ, इनका तो बहुत। तो अभी हम उस जगह पे पहुँचे जो मैं पहले देखी थी, ये हट और वो दूसरी हट रही, और इस फेंसिंग को हमने पार किया था। तो ये आसिफ भाई आ रहे हैं ऊपर से, तो फाइनली हम पहुँच गए। 3 घंटे का रास्ता था, ये सफ़र आसान था नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहत सलामत वापस आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं फेंसिंग कहाँ पे पार करेंगे, आई थिंक हमें यहीं पे फेंसिंग पार करनी पड़ेगी क्योंकि इसको कहीं पे गेट नहीं है। सो गाइस जाहिद भैया नीचे आ रहे हैं, चेकआउट हो रहा है हमारे जाहिद भैया और इनके साथ ये बच्चे, चेकआउट ये कैसे उतर रहा है? अल्लाह चेकआउट ये कैसे उतर रहा है जाहिद भैया? How is your experience, bro? Great experience, bro. Great experience. Bye. Okay, good. But एक ही चीज थी जो सुबह डर लगा था, बस उसने हालत खराब कर दी थी, बट अल्लाह का शुक्र है हम सेहत सलामत ऊपर भी गए, सेहत सलामत नीचे भी आ गए। तो अभी हमें यहाँ से कम आधा या 1.5 घंटा लगेगा नीचे तक, पहुँच जाएंगे नीचे, फिर नीचे हम आपको लास्ट वीडियो उठाते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम निकलते हैं घर। ओके तो चलो जी लेट्स गो। चलो गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आसिफ भाई है, आप देख सकते हो ये कैसे उतरता है। अरे सुजन भाई, आराम से आराम। अरे मुस्तफा भाई, अरे मैं हूँ, तू है, मैं तुझे खुद दिखाता हूँ। ये देख क्या है तू, नाम क्या था? नाम मुनाजिल फारूक। मुनाजिल फारूक, चलो माशाल्लाह। तो फाइनली गाइस हम वहीं पे पहुँचे हैं जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो ये वो गेट है और ये हमारे न्यू मेंबर्स जो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो अभी हम इसको बाय बाय करने वाले हैं,
और इनको भी बाय बाय करेंगे। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सलामत वापस पहुंच गए जहां पे स्टार्ट किया था। तो ये वही पार्क है जो आप लोगों को मैंने बताई थी, आड़गतनू में है ये पार्क। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट हाँ जी, माशाल्लाह से हम निकल जाते हैं यहाँ से। और आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, मजा आया मेरे साथ, मजा आया बहुत ही ज्यादा। चलो माशाल्लाह, हमारी पहली ट्रिप थी, तो पहली ट्रिप थी, तो और बहुत ही मजा आया, बहुत एंजॉय भी किया जी। बिल्कुल, चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी निकलते हैं, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।